कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। इंदौर नगर निगम के जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय इंचार्ज की रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने के बाद पूरा महकमा दहशत में आ गया है। हम आपको बता दें कि निगम में जन्म और मृत्यु विभाग के इंचार्ज मुकेश यादव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एक ऐसा विभाग होता है जहां सैकड़ों की तादाद में लोग रोजाना जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं। अब ऐसे में और कितने लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं ये जाँच के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, साथ ही पूरे कार्यालय में दो बार सैनिटाइज भी किया जा चुका है। फिलहाल आला अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी का कहना है कि जो भी निर्देश होंगे इसके तहत कार्यालय को बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इस विभाग में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सभी को कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के तहत जाँच की जाएगी। ज्ञात रहे कि अब तक इंदौर नगर निगम में 32 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। जन्म मृत्यु विभाग के हमारे मुकेश यादव जी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वरिष्ठ अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया है। ऑफिस में दो बार सैनिटाइजेशन कर दिया है। ऊपर से आदेश आते ही ऑफिस को बंद किया जाएगा। जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी कर्मचारियों की जानकारी दे दी गई है। जैसे स्वास्थ्य विभाग के और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश होंगे, हम लोगों की सबकी जांच जो होना है, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, वो सब किया जाएगा। सर, वो कर्मचारी जो थे वो किस पोस्ट पे थे? वो ऑफिस इंचार्ज थे, जन्म मृत्यु का सुपरवाइजर का काम देखते थे। मैं अजीत कल्याण है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।